अच्छे थे वो। ऐसा लगा कि मनोज वाजपेयी उनके ऊपर पूरा सूट किया ये रोल, कि मतलब कि लगा ही नहीं कि वो फर्स्ट टाइम ऐसा रोल सूट कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरा सूट किया ये रोल, कि लग रहा था कि वो पहले से ये सब थ्रिलर मूवी बनाते आ रहे हो, ऐसी लगा। तो जो आप पहले भी उनका मूवी देखे हो, क्या सजेशन? पहले से मैं उनको देखते आ रहा, फैमिली मैन से लेकर गैंग ऑफ वासेपुर, गैंग ऑफ वासेपुर का सब मैच क्या ही है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। कॉन्सेप्ट कैसा लगा मूवी का? कॉन्सेप्ट अच्छा था कि भाई के ऊपर, ब्रदर्स डे भी आज, तो मेरे को आज के दिन देख के और सब वाइब आ रहा था। बेस्ट पार्ट जो लास्ट में आग में जलाता है, देन लास्ट मतलब बदले की आग निकाले, वो अच्छा लगा मुझे। और बाकी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे कि आपको ज्यादा अच्छा लगा? सारी मूवी अच्छी लगी मुझे, ऐसा पर्टिकुलर चीज में इंडिविजुअल बता नहीं सकता। चलो थैंक यू। भैया जी देखकर आ रहे हो, आप भैया जी वाले सेट में दिखाई दे रहे हो, तो कैसा लगा? हम लोग यूपी बिहार के लोग हैं, तो लोग प्यार से भैया जी भी कहते हैं, भैया हैं तो अच्छा लगता है। फिल्म भैया जी बहुत अच्छी लगी। जैसा आपने अभी कहा यूपी बिहार से है, भैया जी का टैग दिया गया, तो सबसे पहले ये कैसा लगा? बहुत अच्छा टैग लगा भैया जी। अब उसके मनोज जी ने अच्छा गाना गाया था, बाग का वाला गाना बहुत प्यारा लगा, बिल्कुल जोश जगा देता है। उसके पहले भी उन्होंने जियो एक बिहार के लाला गाना गाया था, बहुत ट्रेंडिंग हुआ था, तो इस तरह ये भी भैया जी बहुत अच्छा सॉन्ग है और बहुत अच्छी फिल्म है। आप मनोज वाजपेयी की और भी मूवीज देखी होंगी, ये भी मूवीज देखी, क्या कुछ अलग लगा आपको, क्या कुछ? देखिए एक एक्टर क्या होता है, हर बार जो निखार आता रहता है, निखार में मैच्योरिटी दिखती है, तो इस फिल्म में प्योर मैच्योरिटी दिखी, भावुकता सीन दिखे, एक्शन दिखे। मुझे लगा कि मनोज जी का एक्शन में पहली बार देख रहा हूँ इतने अच्छे तरीके से, साउथ में जो होता था वो लग रहा था कि वो बॉलीवुड में आ गया है, तो अच्छा लग रहा था। तो कॉन्सेप्ट की बात करें अगर मूवी की, तो कॉन्सेप्ट कैसा लगा, स्टोरी कैसी लगी आपको? कॉन्सेप्ट अच्छी लगी, थोड़ा सा बढ़िया कर सकते थे। जब वो भैया जी को पावर आता है कि नहीं अब फिर से उन्हें जो उन्होंने वचन दिया था तोड़ दिए हैं, तो पूरे गाँव वाले आ गए, पूरा ताकत आ गया, लेकिन वो फिर बाद में एलोन हो गए, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, लेकिन ठीक है फिलहाल। हाँ बहुत अच्छा, रियल नेचुरल लगा। एक्चुअली मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कुछ ऐसे कलाकार हैं, ओमपुरी साहब, ये लोग लगता है कि नेचुरल कर रहे हैं, एक्टिंग नहीं दिखती है, इसलिए इन लोग लाजवाब हैं। मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा? मुझे बेस्ट पार्ट मनोज जी का जो लगा, जब वो जो आज के बच्चे आते हैं दूर से, हाय हेलो डैडी या कुछ नमस्ते प्रणाम दुआ करते हैं, तो उन्होंने जो संस्कार दिया कि बिल्कुल जब भाई जा रहा था तो चरण छूने के लिए जो संस्कार होना चाहिए, तो ये बेस्ट पार्ट लगा कि समाज को जाता है कि आप कितने बड़े बड़े हो जाए, कितने बड़े स्टार हो जाए, आप सीनियर जूनियर का ख्याल रखेंगे। ऐसा लग रहा है यूथ जनरेशन है, उनको भी मूवी देखनी चाहिए। बिल्कुल मूवी देखनी चाहिए और बहुत सीख मिलती है, और जो कुछ फ्रस्ट्रेशन हो के लोग छोड़ देते हैं मुंबई, या डर मारे यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो कितनी मेहनत से आज 100 फिल्में पूरा किया है, तो सोचिए कितना स्ट्रगल किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, तब जाके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लाइफ में कभी भी कुछ असंभव नहीं है, फिल्म देखना चाहिए, और फिल्म में आप देखेंगे तभी तो हम अच्छा फिल्म बनाएंगे, उन्हें क्या पसंद है वो होगा, और अच्छे कलाकारों को मौका मिलेगा। कोई डायलॉग याद होगा आपको, बहुत अच्छा लगा होगा मनोज वाजपेयी जी का इस मूवी से रिलेटेड? इस मूवी से रिलेटेड तो कोई डायलॉग, कोई प्रॉपर डायलॉग तो है नहीं, लेकिन वो बोले कि ठीक है तुम मनोज जी थे कि तुम जाओ दूसरी शादी कर लो, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं 10 साल आपका इंतजार किया, हर सुख दुख में थी, आपके भाई को आपसे ज़्यादा अच्छा मैं जानती थी, वो डायलॉग अच्छा लगा, क्योंकि एक लड़की, एक स्त्री सब कुछ छोड़ के 10 साल किसी पर वक्त दे, उस पर ट्रस्ट करे, तो वो डायलॉग अच्छा लगा। 5 में से 4 दे देंगे। थैंक यू। लगता है कि भैया जी 2 भी बनना चाहिए? भैया जी 2 बनना चाहिए, थोड़ा सा और जैसे KGF आया था ना, यस का, उस टाइप का कुछ बड़ा करना चाहिए, और कुछ साउथ का एक्शन और ज़्यादा लाना चाहिए। इंटरवल के बाद जो है फिल्म थोड़ी सी ढीली हो गई थी, इंटरवल के पहले अच्छा लगा, जा रहा था, लेकिन वहाँ बहुत स्लो कर दिया उन्होंने, और अच्छा हो सकता था, इसीलिए 5 में से 4 दिया, नहीं तो मैं 5 में से 5 देने वाला था। थैंक यू। मुझे ये फिल्म बड़ी अच्छी लगी, दोनों ही पार्ट मेरे लिए बहुत एंगेजिंग थे। मनोज वाजपेयी को पहली बार स्लो एक्शन में देखा गया, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे ही मैं मनोज वाजपेयी को ऐसे मूवीज़ में देखना पसंद करूंगी। थैंक यू। आपने मनोज वाजपेयी की और भी मूवी देखी होगी, उनकी सौगी मूवी थी, तो आपको क्या लगा? वो ये फिल्म में बड़े अच्छे लग रहे थे, और सीरीज़ भी देखी है मैंने उनकी, मुझे उनकी ये मूवी बहुत हटकर और अच्छी लगी। और अगर लोगों को देखना चाहिए मूवी, किस लिए देखना चाहिए? मनोज वाजपेयी इज़ द ओनली रीज़न टू वॉच द फिल्म। दैट्स 5/5।
मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, बेसिकली उसका 100th मूवी है मनोज वाजपेयी की, तो उनका एक्शन, उनकी सपोर्टिंग कास्ट जो भी है, उनका सपोर्ट अच्छा लगा। वो इमोशनल कोई कोई की भाई के लिए उसने क्या क्या करता है क्या नहीं किया, तो फिर उसकी चीज़ वो मुझे अच्छी लगी। वेब सीरीज़ की वाइब नहीं आ रही थी, थोड़ा बस मिक्सचर था गैंग ऑफ वसेपुर के, तो बस वो तो अलग हो गई और ये भी अलग है, तो फिर इसके लिए मुझे ज़्यादा ये नहीं लगा। पर ये मूवी पूरे डिफरेंट थी, वो उनका जो सीरीज़ था वो थोड़ा डिफरेंट था, अलग था वैसा। और क्या रेटिंग है? 3।